डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद बड़े बड़े शहरों या विदेशों में प्रैक्टिस करने के बजाय महाराष्ट्र गढ़चिरौली के हेमलकसा जैसे आदिवासी इलाके को चुनने का फैसला हर किसी को हैरान कर सकता है, लेकिन समाज सेवा के जुनून और गरीब पिछड़े आदिवासियों के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना से वहां जाकर बसे और 40 सालों से निस्वार्थ भावना से आदिवासियों की सेवा कर रहे विश्व प्रसिद्ध समाज सेवक डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे और उनकी पत्नी मंदाकिनी आमटे के फैसले ने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी है। इन 40 सालों के सफर के दौरान उन्हें कैसी कैसी तकलीफें झेलनी पड़ी, क्या क्या सहना पड़ा, यह बातें जब डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे जब बयां करते हैं तब सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला चैम्बूर के सत्यभामा हॉल में, जहां संस्कार प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित दीप संध्या कार्यक्रम में इन दोनों महान व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। और सम्मान समारोह के दौरान इन्होंने अपने अनुभव उपस्थिति लोगों को बयां किए। इस सम्मान समारोह में विश्व प्रसिद्ध समाज सेवक डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के साथ साथ सांसद राहुल सेवाले, शिवसेना उपनेता सुबोध आचार्य, नगर सेवक अनिल पाठानकर और कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अजीत गावड़े सहित हजारों लोग उपस्थित थे। मैं हरदम कहता हूँ अपना देश इतना बड़ा है, अपना देश बहुत तरक्की किया एक तरफ, लेकिन अभी भी कुछ 30-35 मतलब परसेंट लोग दारिद्र रेखा के नीचे है, गरीबी के नीचे। तो देश की तरक्की करना हो तो इन लोगों को जब तक आप ऊपर नहीं ला सकते, और वो ऊपर लाना और आपके और हमारे हाथ में, हमारे पिताजी ने हमको ये एरिया नहीं दिखाते तो हम लोग आदिवासी की सेवा नहीं कर पाते। तो मैं हरदम कहता हूँ कि एक्सपोजर, आप जाओ देहातों में जाकर देखिए, सिटी में रहा तो आपकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, आप ऊपर की तरफ देखते जाते ये नहीं वो नहीं वो नहीं। आप यदि एक बार ऐसे जाके देहातों में जाके आदिवासियों के बीच रहे तो पता चलता है कि ये भी आदमी है, ये भी हमारे भाई है, उनकी डिमांड्स कितनी कम है। तो ये नीड और ग्रीड में यदि आप उसमें जो जितनी ज़रूरत है उतना तो लेना हर एक का हक है, लेकिन ग्रीड के लिए कोई अंत नहीं है और फिर आपको अशांति आती है। और जब तक आप नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे, जवान आदमी को, जवान लड़के जो होते उनको संदेश में हरदम देता हूँ कि आप करियर तो करो अपना, वो अपना हक है, लेकिन वहाँ जाके देखो उनकी हालत कैसी है। और वो यदि आप उनके किसी एक को भी आप ऊपर ला सके तो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको वो पैसे से नहीं मिलेगा। नहीं, अभी क्या है, धीरे धीरे सब रास्ता आ गया, बिजली आ गई, टेलीफोन आ गया, इंटरनेट आ गया, स्लो है डेवलपमेंट, बहुत ही इंटीरियर है, वो आखिरी जिला है अपना जिला। तो ये तो और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी आते हैं, MPSC UPSC, तो उन लोगों को मैं कहता हूँ कि आप जैसे शासकीय माध्यम से आप जनता की सेवा करते हैं, आपके हाथ में जो भी अधिकार है आप उनकी सारी योजनाएं उस अधिकार के मार्ग वहाँ तक पहुँचाइए, देश की तरक्की हो जाएगी। कोई ज़्यादा त्याग और सेवा करने की ज़रूरत नहीं, आपका जो आपके अधिकार में जो भी जो योजना है वो पहुँचनी चाहिए, वो पहुँचती नहीं इसलिए सब प्रॉब्लम है। सही बात है यार, ये जो एनिमल्स है जैसे मैंने आपको बोला ये अनाथ थे, यदि हम लोग उनको नहीं आसरा सहारा नहीं देते तो ये तो उनके पेट में चले जाते, वो तो उनका फूड था। जैसे रखा है तो अच्छी तरह से रखा है, बहुत प्यार से रखा है, उनकी तबीयत भी अच्छी है। तुमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पहले लिखा था कि ये आप ही की प्रॉपर्टी है, हम लोग तो कोई मालिक नहीं है, केयरटेकर है, तो आप उसके लिए परमिशन देना चाहिए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो उसकी परमिशन दे दी थी, बाद में सब पावर दिल्ली चली गई, सेंट्रल जो था उनको तकलीफ हो रही थी कि ये एक्सपायर, आप और हमारे जैसे लोग जानवर घर में नहीं रह सकते। मैंने बोला कि आप ये फिलोसॉफी देखिए कि ये हम नहीं रखते तो ये शायद पेट में चले जाते, अब इतने अच्छी तरह से रखे हैं तो आप उनको परमिशन दीजिए। तो वो समझ गए, कुछ लोग तो उसकी परमिशन आने की अभी राह देख रहे। हर एक तो कोई जान नहीं सकता, हम जैसे जंगल में जाके बैठे हैं वैसा हर एक तो कोई जान नहीं सकता, लेकिन अपने आप देश इतना बड़ा है और सब जगह समस्या है, तो अपने अपने तरीके से ये समस्या हल करने का यदि शहरी लोगों ने प्रयत्न किया तो
अपना देश तरक्की कर सकता है। सपने गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक साल अपने जीवन का गांव के लिए देने से कुछ नुकसान नहीं होता है, बहुत बड़ा अपना आयुष्य पड़ा हुआ है। एक साल जो भी दे गए अपने जीवन का देहात के लिए और उनके देहात के लोगों के उत्थान के लिए, तो भी अपने देश की तरक्की हो सकती है। ऐसे भी लोग हैं कि जो जाना चाहते हैं, एक साल का अपने जीवन का देना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसे लोगों को। और अपना अपना काम अपने तरीके से अच्छे से करना, यही देश सेवा होती है। उसके लिए कुछ खास त्याग करने की ज़रूरत नहीं है।